हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृताइजेशन की विशेषताएं। इससे पिछली क्लास में हमने संस्कृतिकरण के अर्थ के बारे में और उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे संस्कृतिकरण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो संस्कृतिकरण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में एमएल श्रीनिवास, समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर, पोको आदि ने संस्कृतिकरण की विभिन्न विशेषताएं बताई है। तो सबसे पहली जो विशेषता है संस्कृतिकरण की वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। यानी एमएल श्रीनिवास का जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में माना गया है और यह समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करता है। यानी कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसके द्वारा समझाया गया है एम एन श्रीनिवास के द्वारा। अगली जो विशेषता है वो है संस्कृतिकरण की इकाई समूह है। तब एम एन श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसकी जो इकाई है वो एक समूह को माना है, न कि किसी अकेले व्यक्ति या परिवार से संबंधित नहीं है ये, बल्कि एक समूह से इसका संबंध है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध एक समूह से है। इसका मतलब ये है कि जब कोई निम्न जाति का कोई निम्न जाति या जनजाति या निम्न समूह का कोई एक व्यक्ति या एक परिवार ऊंची परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो ऊंची परिस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति या कोई परिवार उच्च जाति का अनुकरण करके तो वह समाज से अलग थलग पड़ जाता है और उसे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए संस्कृतिकरण की जो इकाई है वो एक कोई जाति, कोई जनजाति या कोई अन्य समूह हो सकता है, न कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार इसकी इकाई नहीं है। अगली विशेषता है पदमूलक परिवर्तन, पोजिशनल चेंज। यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जाति या जनजाति या कोई समूह अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है अपना संस्कृतिकरण करके, और जो दूसरी जो आसपास की जो जातियाँ होती है या समूह होते हैं वो नीचे आ जाती है। और यह जो पदमूलक परिवर्तन है एक सोपान तक ही सीमित रहता है, एक स्तर तक ही सीमित रहता है और इससे संपूर्ण संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जो संपूर्ण व्यवस्था होती है सामाजिक व्यवस्था वो यथावत बनी रहती है, पहले जैसी बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। और विभिन्न जो सोपान है, विभिन्न स्तर है, समाज के खंड है, उसमें जो जातियाँ संस्कृतिकरण के द्वारा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, लेकिन जो संपूर्ण समाज का जो ढांचा है वो वैसे के वैसे बना रहता है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट है द्विमार्गी प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस। यानी संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो द्विमार्गीय यानी दोनों तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें निम्न जातियाँ जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है, ग्रहण करती है उच्च जाति का अनुकरण करके, वहीं जो दूसरी ओर जो उच्च जो निम्न जातियाँ भी कुछ न कुछ उच्च जातियों को देती भी है। जैसे कि संपूर्ण भारत में हिंदुओं के जो देवी देवताओं के अतिरिक्त जो ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मण जाति के द्वारा स्थानीय देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है, और ऐसा विशेष रूप से उस समय देखने को मिलता है जब महामारी से रक्षा की बात आती है, अथवा जो पशुधन होता है या बच्चों की रक्षा होती है या अन्य के संग्रहण के समय ऐसा देखने को हमें मिलता है। एम एन श्रीनिवास ने भी ऐसे विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि जो उच्च जातियाँ हैं या उच्च समूह हैं जिन्होंने निम्न जाति समूहों की विशेषताओं को या सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण किया है, और इस प्रकार की जो ये द्विमार्गी प्रक्रिया है उसको लघु और वृद्ध परंपराओं की जो आत्मसात करने की प्रक्रिया है उसमें और अधिक विस्तृत रूप से हम समझ सकते हैं। परंतु जो निम्न जातियाँ हैं वो उच्च जातियों से अधिक लेती है, यानी ग्रहण अधिक करती है और देती कम है। अगली जो विशेषता है वो है विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया। योगेंद्र सिंह के अनुसार जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसमें वो विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो निम्न जातियाँ होती है वो उच्च जाति की या उच्च समूह की विचारधारा को ग्रहण करती है, उसका अनुकरण करती है। निम्न जाति उच्च जाति के जो धर्म से संबंधित जो विचारधारा है, पाप पुण्य मोक्ष पुनर्जन्म आदि की विचारधारा का अनुकरण करती है, और जो जाति समूह अपना संस्कृतिकरण करता है वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति के अतिरिक्त जो जीवन दर्शन है, संस्कृति साहित्य में उपलब्ध जो नवीन विचारधारा है, मूल्य है, आदर्श है, उनका अनुकरण निम्न जाति के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है अग्रिम समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की जो विशेषता बताई है वो है अग्रिम समाजीकरण विशेषता बताई है इसकी। इनके अनुसार इस प्रक्रिया में जो निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को सीखती है वो इस इच्छा से सीखती है कि भविष्य में जब वो उच्च जाति की सदस्यता उसे प्राप्त हो जाएगी तो आसानी से उच्च जाति की संस्कृति के साथ वो एडजस्ट कर लेगी, आसानी से सीख लेगी, यानी पहले से ही जो निम्न जाति है उच्च जाति की संस्कृति को सीखती है, इसे अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया में समझा जा सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रतिमान। संस्कृतिकरण के जो प्रतिमान हैं वो बहुत सारे प्रतिमान बताए हैं। इसमें संस्कृतिकरण के जो प्रतिमान हैं वो अनेक हो सकते हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें से जो प्रथम तीन वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वो द्विज वर्ण कहलाते हैं, और प्रत्येक वर्ण की जो संस्कृति क्षेत्र है और समय के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, और निम्न जाति विभिन्न जो उच्च वर्ण है उनको और उच्च जातियों और जो प्रभु जातियों के भिन्न भिन्न सांस्कृतिक की विशेषताओं और आदर्शों को ग्रहण कर सकती है, और साथ ही जो निम्न जाति उस जाति या समूह के लक्षणों को या आदर्शों को अधिक ग्रहण करती है जो कि उसके समीप होते हैं, यानी कि उसके आसपास की जो उच्च जाति या उच्च समूह होते हैं उसी का अनुकरण निम्न समूह या निम्न जाति के द्वारा किया जाता है। और संस्कृतिकरण के जो विभिन्न प्रतिमान या अनेक आदर्श समूह हो सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य स्थानीय प्रभु जाति या कोई प्रभु समूह। अगली जो विशेषता है संस्कृतिकरण की वो है पुरातन प्रक्रिया, एंशियंट प्रोसेस।
संस्कृतिकरण की जो प्रमुख विशेषता है यह है कि यह प्रक्रिया भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। और M.N. श्रीनिवास ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक जातियों ने ऊपर उठने का प्रयास किया है। और भारतीय समाज के इतिहास में भी ऐसे विभिन्न उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसमें कि निम्न जातियों ने उच्च वर्णों और प्रभु जातियों का अनुकरण ऊपर उठने के लिए किया है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रबल जाति का अनुकरण, डोमिनेंट कास्ट का अनुकरण। तो कुछ समय पहले तक जो निम्न जातियाँ थी वो केवल ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण करती थी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान, परंतु धीरे धीरे अब जो स्थानीय जो प्रबल जाति होती है, डोमिनेंट कास्ट होती है, उसका अनुकरण निम्न जातियों के द्वारा किया जाता है। और ये उच्च जातियाँ कोई भी ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वैश्य या कोई अन्य गैर ब्राह्मण जाति भी हो सकती है। और ऐसी प्रबल जाति का अनुकरण किया जाता है जो कि उसके समीप हो, यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से उसके आसपास की जो प्रबल जाति होती है उसी का अनुकरण निम्न जातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का महत्व। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में संस्कार एवं राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के जो लक्षण हैं, विशेषता है, उनका भी महत्व है। एक लक्षण में सत्ता प्राप्ति हो जाने पर अन्य दोनों क्षेत्रों में सत्ता प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस M.N. श्रीनिवास की मान्यता है कि इन तीनों ही लक्षणों में, यानी संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों में भिन्न भिन्न असंगतियाँ भी हो सकती है, यानी विरोधाभास भी हो सकता है, जिससे आर्थिक उन्नति के साथ संस्कृतिकरण हो जाए ये आवश्यक नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी समूह ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के कारण आर्थिक उन्नति तो कर ली है और साथ ही उस समूह का संस्कृतिकरण भी हो गया है, परंतु M.N. श्रीनिवास ने मैसूर के गांव में ऐसा भी पाया है कि वहां के एक गांव जो रामपुरा की अस्पृश्य जाति का अत्यधिक संस्कृतिकरण हो गया है, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले जैसे ही थी, यानी आर्थिक उन्नति वो नहीं कर पाई है। और संस्कृतिकरण में संस्कार, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, शिक्षा, नेतृत्व आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अपना प्रभाव डालते हैं। साथ ही जो अगली जो विशेषता है वो है जनजातियों से संबंधित। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूहों में भी देखी जा सकती है। और M.N. श्रीनिवास ने बताया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजातियों और अर्ध जनजातीय समूहों में भी पाई जाती है, जैसे कि पश्चिमी भारत के जो भील हैं, भील जनजाति, मध्य भारत के गोंड, ओराव तथा हिमालय के जो पहाड़ी जनजाति उनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। यानी कि जब कोई जनजाति अपना संस्कृतिकरण करती है तो वह एक जाति होने का दावा प्रस्तुत करती है और हिंदू बन जाती है। और परंपरागत व्यवस्था में हिंदू बनने का जो तरीका है वो किसी जाति से संबंधित होना था, और गतिशीलता की जो इकाई है वो सामान्यतः एक समूह होती थी, न कि कोई व्यक्ति या परिवार। तो इस प्रकार जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो जनजातियों से भी संबंधित है। इस प्रकार संस्कृतिकरण की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त करी है। और जिसके माध्यम से संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है और उसे और अधिक विस्तृत रूप से
जानने में हमें मदद मिलती है।